नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं पवन शर्मा। एक होर्डिंग जो कि छिंदवाड़ा में चर्चा का विषय बन गई थी, ये रात में लगाई गई थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये होर्डिंग है। इस पे पहले ये लिखा हुआ था भाभी मुख्यमंत्री और महाशिवरात्रि की बधाई दी गई थी। आनन फानन में जब ये मीडिया में बात आई तो उसके बाद से यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो देखते हैं कांग्रेस भवन को, उन्होंने यहाँ पर फिर दोबारा दूसरा होर्डिंग लगाया है जिसमें कमलनाथ को पूर्व मुख्यमंत्री बताया गया है। इसके पहले ये होर्डिंग में भावी मुख्यमंत्री बताकर चर्चा का विषय बन गया था। अब रही बात ये है कि कयास ऐसे लगाए जाते हैं, हवा दी जाती है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, ऐसी अटकलों पर दिया गया था जोर, जिसके बाद से ही बाजार गर्म हो गया था। और उसके बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद नकुलनाथ जब कैमरे के सामने आए और उन्होंने इस बात का खंडन किया तो पूरा सारा ठीकड़ा मीडिया पर फोड़ दिया था। अब मैं यहाँ बता दूं कि अब भावी मुख्यमंत्री का यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ था, जिसके बाद से ही अटकलों का दौर शुरू हो गया था। अब आनन फानन में यह पोस्टर हटा दिया गया है। पवन शर्मा, छिंदवाड़ा, एमपी तक।